होता है संसार में परिवर्तन अनिवार्य, मगर सहज होता नहीं ये सबको स्वीकार। ये सच है कि परिवर्तन अनिवार्य है, एक अटल सत्य है, परंतु हर परिवर्तन का विरोध आवश्यक होता है। बात जब धार्मिक परिवर्तन की हो तो यूं समझ लो कि एक उपद्रव सा हो जाता है। ये धर्म में सुधार के नाम पर बिगाड़ पैदा कर रहा है, हम इसे कदापि सहन नहीं करेंगे। ये अपने आप को संत कहता है और अन्य साधुओं को शिथिलाचारी। ये जड़ और स्वार्थी लोग हर महान सुधारक की क्रांति को दबाने के लिए उन्हें सता रहे हैं, उनका बहिष्कार कर रहे हैं, और इसीलिए इन लोगों के अपमान से व्यथित ये जन उद्धारक नदी की तपती हुई रेत पर लेटे हुए लोम हर्षक तपस्या में लीन है। इस कलियुग के महापुरुष श्री आचार्य भिक्षु जी को हमारी कोटि कोटि वंदना, जो जीवन भर अंधश्रद्धा और गलत परंपराओं से लड़ते रहे और जिनके ज्ञान की दिव्य ज्योति से सारा संसार ज्योतिर्मय हुआ। विक्रम की 18वीं सदी। इस सदी में समाज अज्ञान और रूढ़ियों की पीढ़ियों में जकड़ा हुआ था। धार्मिक स्थिति और भी दयनीय थी। धर्म के प्रति लोगों में अनुराग तो था, परंतु वेशधारी आचारहीन साधुओं के कारण लोगों के मन में अश्रद्धा बढ़ने लगी थी। क्या हो गया है इन साधुओं को? अरे भाई, श्रावकों से रुपया दिलवाकर शिष्यों को खरीदते हैं, गृहस्थों के घर उपति छोड़ जाते हैं, फिर महीनों तक प्रतिलेखन नहीं करते। सचमुच ये तो बिना अंकुश के हासी हो गए हैं। धार्मिक उथल पुथल जोरों पर थी। ऐसे विषम काल में जोधपुर राज्य के कंटालिया ग्राम की निवासी एक गर्भवती महिला दीपाबाई ने स्वप्न में सिंह देखा। मैंने व्याख्यानों में सुना है कि सिंह का सपना देखने वाली माता किसी चक्रवर्ती या महान व्यक्ति को जन्म देती है। मेरा बेटा भी महापुरुष बनेगा। अतः विक्रम संवत 1783 आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी मंगलवार को उस दिव्य बालक का जन्म हुआ। बालक के पिता शाह बल्लू जी और माता दीपाबाई जैन गच्छवासी संप्रदाय के अनुयायी थे। बल्लू जी, तुम्हारे बालक के शरीर पर ऐसे कई लक्षण हैं जो एक छिपे हुए महापुरुष का संकेत दे रहे हैं। घना सुहाओ माता दीपा जी राजाया, घना सुहाओ माता दीपा जी राजाया, थाने तो धावे सारो राजस्थान हो, सारो हिंदुस्तान हो, मानव तारा मान हो, जिन शासन री शान हो, माता दीपा जी राजाया, घना सुहाओ माता दीपा जी राजाया, घना सुहाओ माता दीपा जी राजाया। उस समय की परंपरा के अनुसार बड़ी ही धूमधाम से बालक के नामकरण की विधि संपन्न हुई। विधि के अनुसार बालक का नाम निकला भीखण। दुर्भाग्यवश बचपन में ही भीखण जी के पिता चल बसे। माता दीपाबाई ने उस समय की पद्धति के अनुसार उनकी साधारण शिक्षा की व्यवस्था की। वे शिक्षा में बहुत तेज थे। उनके स्वभाव में स्वाभिमान
कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने अपमानजनक स्थिति को कभी सहन नहीं किया। इस विषय में उनके बचपन की एक घटना बड़ी ही रोचक है। उनके पारिवारिक चाचा मजाक में उनकी खोपड़ी पर चपत लगाया करते थे। अरे वाह भिक्कू, तुम्हारी खोपड़ी तो बहुत मजबूत है। चाचा, अब जब देखो तब मेरी खोपड़ी पर चपत मारते रहते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। भिखण जी बार बार मना करते रहे पर चाचा नहीं मानते, तो अंत में उन्होंने अपनी पगड़ी के नीचे नुकीले कांटे छिपा दिए। आदतन चाचा ने चपत लगाई। अरे बाप रे, मर गया। अरे ये खोपड़ी है, ये कांटों का पेड़। उसी दिन से चाचा की चपत लगाने की आदत छूट गई। इसके अतिरिक्त भिखण जी को बचपन से ही दंभ और छल से भयंकर चीड़ थी। एक बार यूं हुआ कि गांव में किसी एक व्यक्ति के घर चोरी हुई और उस चोरी का पता लगाने के लिए उस व्यक्ति ने पास वाले गांव से एक अंधे कुम्हार को बुलवाया, जिसके बारे में प्रचलित था कि उसके मुंह से देवता बोलते हैं, जबकि वास्तव में यह अंधा कुम्हार एक नंबर का धूर्त था। चोर की टोह लेने के आशय पर वो धूर्त पहले भिखण जी से मिला और बातचीत शुरू की। भिक्खू, गांव वालों के लिए ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि ये काम गांव के ही किसी आदमी ने किया है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मेरा भी यही मानना है। तुम सचमुच बुद्धिशाली हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें किस पर शक है? मुझे लगता है ये काम मजने का होना चाहिए। चोर की टोह लेने के बाद दंभी कुम्हार ने गांव वालों को इकट्ठा किया और नाटकीय ढप से कहने लगा, चोर के बच्चे, तू मुझसे बच नहीं सकता। सारे गहने डाल दे, मैं कहता हूँ चुपचाप गहने निकाल दे, वरना ठीक नहीं होगा। महाराज, लगता है चोर इस तरह नहीं मानेगा। अब तो आप उसका नाम बता दें। चोर मजना है, उसी ने गहने चुराए हैं। ये सुनते ही एक फकीर बिगड़ कर बोला, क्या बकवास करते हो, मजना गहने कैसे चुरा सकता है? मजना तो मेरे बकरे का नाम है। पोल खुलते ही सभी लोग अंधे कुम्हार को कोसने लगे। भिखण जी ने कहा, इसे कोसने का कोई अर्थ नहीं है, भूल तो तुम्हारी है। आंख वाले के घर चोरी होती है और पता लगाने के लिए अंधे को बुलाते हैं। इस प्रकार भिखण जी ने एक अंधविश्वास का अंत किया। ये था उनके समाज सुधार अभियान का पहला चरण। उस समय की सामाजिक प्रथा के अनुसार भिखण जी का विवाह छोटी आयु में ही कर दिया गया। पत्नी का नाम था सुगुणी बाई। संसार की दृष्टि में उनका जीवन संपूर्ण हो चुका था, परंतु ज्ञानी की नजर में वे एक बंधन में बंध चुके थे। वे संसार का भोग अवश्य कर रहे थे, मगर उनका चिंतन उन्हें बार बार विराग की ओर खींच रहा था। भिखण जी अपने विराग के भाव और धर्म की प्यास लेकर घाट घाट भटके, परंतु कहीं भी उनकी प्यास शांत नहीं हुई। अंत में वे स्थानकवासी संप्रदाय की एक शाखा के आचार्य रघुनाथ जी के संपर्क में आए और उनके अनुयायी बने। वैसे तो भिखण जी अपने गृहस्थ जीवन में एक पुत्री के पिता बन चुके थे, मगर समय के साथ साथ वैराग्य की चाह भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। पारिवारिक जिम्मेदारी इस मार्ग की रुकावट थी। हर पल मेरा मन यही कहता है कि मैं साधु बन जाऊं, समता की साधना करूं और शाश्वत सुख प्राप्त करूं। सच कहूं स्वामी, मैं भी यही सोचती रहती हूं कि साधु ही बन जाऊं। संसार का ये सुख तो खोखला है। मगर सुगुणा, हम ये बात माता को कैसे कहें? जानती हो, ये सुनकर उनकी ममता को कितनी ठेस लगेगी। हाँ, सो तो है। और फिर इस विषय पर काफी सोच विचार के बाद वे दोनों इस निर्णय पर पहुंचे। सुनो, ये बात माता को बताने की स्थिति नहीं आती तब तक
हम दोनों एकांत तप करेंगे और शील व्रत का पालन करते हुए भाई बहन की तरह रहेंगे। निर्णय के अनुसार भीखण जी और उनकी पत्नी अपना गृहस्थ जीवन वैरागियों की तरह बिताने लगे, मगर प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। एकाएक भीखण जी की पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी की आकस्मिक मृत्यु ने उनके चिंतन में हलचल मचा दी। छोड़ न कल पर कर्म को, पूरा कर ले आज, क्या जाने कब भेज दे आमंत्रण यमराज। भीखण जी ने दीक्षा लेने का निर्णय तो कर लिया, पर सामने प्रश्न यह आया कि साधु बनने के बाद मैं अचित किया हुआ जल पीने के नियम को निभा पाऊंगा या नहीं। और फिर खुद को जांचने के लिए उन्होंने कैरों के कड़वे ओसावन को तांबे के एक बर्तन में डाला, उसमें थोड़ी सी राख भी डाली, फिर उस बर्तन को मटकियों के जेट में रख दिया और फिर बाद में उस नीरस और स्वादहीन पानी को बड़ी समता के साथ पी गए। दीक्षा के 43 वर्ष बाद जब भीखण जी आचार्य भिक्षु बन चुके थे, तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य हेमराज जी से इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा था, दीक्षा से पूर्व आत्म परीक्षण के लिए मैंने जो नीरस पानी पिया था, ऐसा पानी पीने का अवसर जीवन में फिर कभी नहीं आया। अब भीखण जी ने अपनी माता से दीक्षा के लिए आज्ञा मांगी तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दी। तब आचार्य रघुनाथ जी स्वयं पधारे और उन्होंने कहा, बहन, अन्न वस्त्र का दान तो सभी देते हैं, मुझे तुमसे पुत्र भिक्षा चाहिए। गुरुदेव, जब भिक्खु गर्भ में था तब मैंने सिंह का सपना देखा था, तब से आस लगाए बैठी हूँ कि मेरा बेटा कोई बड़ा आदमी बनेगा। बहन, साधु तो राजाओं के राजा होते हैं, तू आज्ञा दे, तेरा बेटा साधु बनकर धर्म के जगत में सिंह की तरह गूंजेगा। ये सुनकर माता आश्वस्त हुई और उन्होंने भीखण जी को दीक्षा के लिए आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलते ही सबसे पहले माता के जीवन निर्वाह की योग्य व्यवस्था की और फिर दीक्षा लेकर भीखण से भीखण जी स्वामी बने। अब स्वामी जी का अधिक से अधिक समय धर्म ग्रंथों के गहन अध्ययन में बीतने लगा। उनकी इस ज्ञान पिपासा और वैराग्य के कारण उनमें भावी आचार्य के दर्शन होने लगे। विक्रम संवत 1815 में संत भीखण जी के मस्तिष्क में साधु वर्ग की आचार विचार संबंधी शिथिलता के प्रति एक क्रांति की भावना पैदा हुई। उन्होंने अपने क्रांतिपूर्ण विचारों को आचार्य रघुनाथ जी के सामने रखा। 2 वर्ष तक विचार विमर्श होता रहा। जब कोई संतोषजनक निर्णय नहीं हुआ तब विचार भेद के कारण विक्रम संवत 1817 चैत्र शुक्ला नवमी को कुछ साधुओं सहित बगड़ी मारवाड़ में उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया। उनका प्रथम प्रवास स्थल शमशान में जैत सिंह जी की छत्री में हुआ। सचमुच महापुरुषों की गति निराली ही होती है। साधारण आदमी जहां अंतिम निवास करता है, वहां आचार्य भिक्षु ने अपनी क्रांति यात्रा का प्रथम पड़ाव डाला। अभिनिष्क्रमण के साथ ही आचार्य भिक्षु पर जैसे विरोधों के पहाड़ टूट पड़े, पर वे लौह पुरुष थे। भीखण जी जोधपुर पधारे, वहां बाजार में दुकानें खुली मिल गईं। उनमें से एक दुकान के मालिक की आज्ञा लेकर वे वहां ठहर गए। बाजार होने के कारण अनेक लोग वहां धर्म चर्चा के लिए आने लगे और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो स्थान धर्म चर्चा का केंद्र बन गया और वहां धार्मिक वातावरण में एक हलचल पैदा हो गई। कुछ दिनों के बाद स्वामी जी के संघ ने जोधपुर से प्रस्थान किया, मगर उनके श्रावक उसी दुकान में नियमित धर्म चर्चा के लिए इकट्ठे होते थे।
एक दिन जोधपुर के महामंत्री फतेहमल जी सिंघी बाजार से गुजरे। शराबकों को दुकान में सामयिक करते देख उन्हें आश्चर्य हुआ तो पूछा, क्या बात है, आप लोग स्थानक के बदले यहाँ बाजार में सामयिक क्यों कर रहे हैं? तब तक श्रावक गेरूलाल जी व्यास ने उन्हें भीखण जी की पूरी जीवन कथनी सुनाई तथा धर्म के प्रति उनके विचारों से भी अवगत कराया। अच्छा ये बताओ कि इस समय कितने साधु इस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं? साधुओं की संख्या 13 है महाराज। और यहाँ जोधपुर में उनके कितने श्रावक हैं? हम लोग भी 13 ही है। वाह, ये भी अच्छा संयोग है, 13 साधु हैं और श्रावक भी 13 है। और उस समय फतेहमल जी के साथ एक सेवक जाति का कवि था, उसने उसी समय एक दोहा बनाकर सुनाया, साध साधरो गिलो करे ते आप रो मंत्र सुन जो रे शहर रा लोगो ए तेरा पंथी तंत्र। और इसी प्रकार अनायास ही स्वामी जी के सत्य मार्ग का एक अनचीता नामकरण होगा। अब हुआ यूं कि अल्पसंख्या पर आधारित इस नाम को पहले पहल स्वामी जी के विरोधी ले उड़े। वे स्वामी जी के अनुयायियों को तेरापंथी कहकर चिढ़ाने लगे। परंतु जब ये तेरापंथ शब्द स्वामी जी के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे अलौकिक अर्थ देकर न केवल उसको सार्थक किया बल्कि अमर बना दिया। वे प्रभु को वंदन करते हुए बोले, हे प्रभु, ये तेरापंथ है और हम सब निर्भ्रांत होकर इस पथ पर चलने वाले पथिक हैं, अतः हम तेरा पंथी हैं। तेरा पथ रो भाग्य विधाता, श्रमण संघ रो सक्षम त्राता। तेरा पथ रो भाग्य विधाता, श्रमण संघ रो सक्षम त्राता। लाखा आखण ल्यारो तारो, हार ही ये रो लागे। माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। और इतना ही नहीं, 13 की संख्या पर आधारित इस नाम को उन्होंने एक और तत्वार्थ तरह दिया। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति, इन 13 नियमों को जो पाले या इस गुरु परंपरा में विश्वास करे वो तेरा पंथी है। प्रभो यह तेरा पंथ महान, प्रभो यह तेरा पंथ महान। मिला मिलेगा जिससे सबको, मिला मिलेगा जिससे सबको। आध्यात्मिक अवदान प्रभो यह तेरा पंथ महान, प्रभो यह तेरा पंथ महान। मारवाड़ से होते हुए स्वामी जी केलवा पहुंचे, मगर वहां उनके लिए परिस्थिति अच्छी नहीं थी। उनके विरोधियों ने लोगों को इतना भड़का रखा था कि उन्हें जैन मंदिर की एक अंधेरी कोठरी में ठहराया, जिसे वे अंधेरी ओरी कहा करते थे। गांव के लोगों की मान्यता थी कि इस मंदिर में यक्ष देव का वास है और यहां पर रात बिताने वाला जीवित नहीं रहता। उस रात बालमुनि उत्सर्ग से वापस लौट रहे थे कि एक सर्प उनके पैरों में लिपट गया। बाल मुनि वहीं स्थिर खड़े रह गए। जब स्वामी जी ने बाल मुनि को बाहर खड़े देखा तो भीतर से आवाज लगाई, भारमल अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? गुरुदेव, एक सर्प मेरे पांव में लिपटा हुआ है। तब स्वामी जी बाहर आए और बड़े धैर्य से नमस्कार मंत्र का उच्चारण कर कहने लगे, आर्य, यदि तुम कोई देव हो और यहां तुम्हारा कोई स्थान है तो हमें स्पष्ट बता दो, हम तुम्हारी आज्ञा के बिना यहां नहीं रहेंगे। परंतु एक बाल साधु को इस तरह डराना उचित नहीं है। इन शब्दों को सुनते ही सर्प ने
बाल मुनि को छोड़ दिया। उस रात एक विचित्र घटना घटी। आधी रात के समय स्वामी जी स्वाध्याय कर रहे थे। सफेद वस्त्रधारी एक व्यक्ति उनके पास आया और वंदन करके कहने लगा, क्या आप मुझे मनुष्य समझते हैं? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य यहाँ दिन में भी आने से घबराता है, फिर रात में कैसे आएगा? लगता है आप यहाँ के अधिष्ठाता देव हैं। यदि आपकी इच्छा न हो तो हम यहाँ से चले जाएं। आप जितने दिन ठहरना चाहते हैं ठहरें, बस दो बातों की सावधानी बरतें। कौन सी बातें? कल सवेरे आपको सर्प द्वारा खींची गई एक रेखा मिलेगी, उसके इस ओर कोई भी साधु उत्सर्ग न करे, और गर्भगृह के द्वार पर जो दो चबूतरे हैं उन पर आपके अतिरिक्त कोई और न बैठे। ठीक है, ऐसा ही होगा। और दूसरे दिन जब ग्रामवासियों ने सभी संतों को सही सलामत देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। कितना विचित्र संयोग है कि केलवा की अंधेरी ओरी से तेरा पंथ का सूर्य निकला, जिसने सभी दिशाओं को आलोकित किया। विक्रम संवत 1817 की आषाढ़ पूर्णिमा को सूर्यास्त के समय भीखण जी तथा सभी साधुओं ने उत्साह के साथ नई दीक्षा स्वीकार की। इसी के साथ तेरा पंथ धर्म संघ की वैज्ञानिक स्थापना हुई और संत भीखण जी आचार्य भिक्षु के पद पर विराजमान हुए। अंधेरी ओरी से होगा तेरा पंथ आलोक, हुआ प्रकाशित धर्म से सारा पृथ्वी लोक। जब केलवा का चातुर्मास समाप्त हुआ तब तेरा पंथ धर्म संघ के सभी साधु आपस में विचार विमर्श करने के लिए बैठे। जैसा कि चातुर्मास से पूर्व हम सभी ने निर्णय किया कि चातुर्मास संपन्न होने पर हम सभी संत एकत्रित होकर सिद्धांतिक चर्चा करेंगे और एकमत होने के बाद ही हम संभागी बनेंगे। उनके बीच कई दिनों तक चर्चा चली। अंत में वे सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 13 में से 8 साधु की एक मत है, अन्य 5 की अलग मान्यता थी, इसलिए स्वामी जी ने उन 5 को अपने संघ में शामिल नहीं किया। स्वामी जी का मूल लक्ष्य आत्म कल्याण था, परंतु उनका झुकाव लोक कल्याण की तरफ भी था। परंतु दुख की बात यह है कि उनके विरोधियों ने प्रजा को उनके खिलाफ इतना भड़का दिया था कि लोग उनका बहिष्कार और अपमान करने लगे थे। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इस भयंकर स्थिति ने उनको व्यथित कर दिया। मुझे लगता है मैं व्यर्थ ही इन लोगों के पीछे अपना समय और श्रम नष्ट कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य तो आत्मोद्धार है और उसके लिए तपस्या तथा आतापना का मार्ग ही उचित है। इस निर्णय के बाद स्वामी जी और उनके सहयोगी संतों ने सिरियारी नगर के बाहर अरावली पर्वतमाला की तलहटी की नदी में लोमहर्षक तपस्या का आरंभ किया। गर्मी की ऋतु में दोपहर के समय आतापना लेने के लिए वे अंगारों से धधकती हुई रेतीली धरती पर लेट जाते थे। तपस्यारी जोत लेर देह ने सुकाई है, तपस्यारी जोत लेर देह ने सुकाई है, नदियां री ताती रेत शीतल बनाई है, इंद्रासन हिल जावेला ओ संता, गणबाड़ी खिल जावेला ओ सतिया। कृपाल जी और फतेह चंद जी वैसे तो बड़े साधु थे और सांसारिक पक्ष से पिता पुत्र थे। जब उन्हें स्वामी जी की कठोर तपश्चर्या के बारे में पता चला तो बड़े बेचैन हो गए। तुरंत स्वामी जी के पास आए और बोले, हमने सुना है कि आपने स्वयं को लोगों से एकदम अलग कर दिया है। देखिए, आप में प्रवर बुद्धि है, आप लोगों को अपनी बात समझाने की क्षमता रखते हैं। हमारा मन कहता है
कि लोग आपकी बात अवश्य समझेंगे और अनुगमन करेंगे। ये तपस्या का काम हमारे लिए छोड़ दें और आप लोगों को प्रतिबोध दें। और स्वामी जी ने उन दोनों संतों के परामर्श को स्वीकार कर लिया। आचार्य भिक्षु एकांतवास से फिर जन कल्याण की ओर मुड़े। श्रद्धा, धर्म का शुद्ध रूप, साधुओं के आचार और आगम बोध जैसे गहरे ज्ञान की बातों को वे राजस्थानी गीत रचनाओं के द्वारा लोगों को समझाने लगे। उनकी हाजिर जवाबी के सामने अच्छे अच्छे लोग चुप हो जाते थे। कथा और दृष्टांतों से मानो उनकी झोली भरी रहती थी। जो भी उनसे चर्चा करता पक्का तेरा पंथी बन जाता था। कोई गहरी बात जो बुद्धि को उलझाए, वही बात दृष्टांत से अति सरल हो जाए। स्वामी जी का व्यक्तित्व कई विशेषताओं से भरा हुआ था। उनमें हाजिर जवाबी और तर्क शक्ति अपार थी। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व में गुड़ से गुड़ बात को भी एकदम सरल बना देने की क्षमता थी। तो चलिए अब हम कुछ ऐसी घटनाओं पर दृष्टि करते हैं कि जिनमें उनकी इस क्षमता की गहराई का पता चले। एक बार काफरला गांव में साधु गोचरी को गए, तब वहां एक जाटनी ने धोवन का प्रासूक पानी देने से मना कर दिया। उस भोली भाली महिला का तर्क ये था, महाराज जो जैसा देता है आगे वैसा ही पाता है। अगर मैं आपको धोवन का पानी दूंगी तो मुझे भी आगे वही मिलेगा और वो मुझसे बिल्कुल नहीं पिया जाएगा। अच्छा बहन, ये बताओ कि तुम अपनी गाय को क्या खिलाती हो? घास फूस महाराज। तो क्या गाय तुम्हें वापस घास फूस ही देती है? नहीं, वो तो दूध देती है। तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि जैसा देता है वैसा ही पाता है? स्वामी जी के सरल उदाहरण से जाटनी को बात समझ में आ गई और प्रासुक का पानी पिया। शोभ जी राज्य के कर्मचारी थे। विरोधियों ने षड्यंत्र रचकर उन्हें झूठे आरोप में फंसा दिया, जिसके कारण उन्हें जेल हुई। एक दिन शोभ जी जेल में भजन गा रहे थे, जिसमें वे स्वामी जी के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त कर रहे थे। तभी स्वामी जी वहां पहुंचे और बोले, शोभा मैं स्वयं दर्शन देने आया हूं। और जैसे ही शोभ जी ने स्वामी जी के दर्शन किए, उनकी बेड़ियां टूट कर गिर पड़ी। और इस आश्चर्यजनक घटना की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। शोभ जी सरावक ने नाथ द्वारा जेड़ में सदेह दर्शन देन भिक्षु आया जियो। उठता तड़ाक भेड़िया टूट दूरी पड़ गी तो देख सारा इचरज पाया जियो। भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे। स्वामी जी अपनी हाजिर जवाबी और विरोध वृत्ति से विरोधियों को बुरी तरह से पराजित कर देते थे। एक बार एक व्यक्ति ने अपने द्वेष और घृणा को उनके सामने यूं अभिव्यक्त किया, तुम अपने आप को साधु कहते हो जबकि तुम्हारा मुंह देखने से मनुष्य को नरक मिलता है। अच्छा, और तुम्हारा मुंह देखने से स्वर्ग मिलता है। चलो अगर तुम्हारी बात को ही सच मान लिया जाए तो अब ये बताओ कि तुम कहां जाओगे और मैं कहां? एक व्यक्ति स्वामी जी के पास आया और पूछने लगा, भीखण जी आजकल साधु का वेश बनाने वालों की संख्या बहुत है, अब आप ये बताइए कि उनमें सच्चे कौन हैं और ढोंगी कौन? उस व्यक्ति की धारणा ये थी कि स्वामी जी दूसरे पंथ के साधुओं को असाधु बताएंगे, परंतु स्वामी जी ने सटीक दृष्टांत देते हुए कहा, एक अंधे ने वैद्य से पूछा कि इस नगर में वस्त्रधारी कितने हैं और नंगे कितने हैं। वैद्य ने कहा, मैं तेरी आंखों का उपचार कर देता हूं, फिर तू स्वयं गिनती कर लेना। मैं भी तुम्हें साधु के लक्षण बताता हूं, फिर तुम स्वयं ही साधु और असाधु की जांच कर लेना। स्वामी जी की अनंत तर्क शक्ति
तथा बात को सहज ढंग से समझाने की क्षमता रंग लाने लगी। स्वामी जी की उस सफलता से विरोधियों का द्वेष और बढ़ने लगा। स्वामी जी के विरोध निष्फल होने लगे तो उन्होंने इस प्रकार की आलोचना शुरू कर दी। वे व्यंगमय कहने लगे, भीखण जी के संग में केवल 3 तीर्थ हैं, साधु, श्रावक और श्राविका। उसमें साध्वियां नहीं हैं, इसलिए ये संग अधूरा लड्डू है। हमारा ये लड्डू अधूरा भले ही है, मगर है चौगुनी चीनी का। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही 3 बहनों ने दीक्षा ली और संघ में प्रवेश किया। उनके नाम थे कुशाला जी, मट्टू जी और अजबू जी। इस प्रकार विक्रम संवत 1821 में साध्वियों के तीर्थ की स्थापना हुई और संघ की चतुर्विधता पूर्ण हुई। एक ओर जनता स्वामी जी के विचारों को समझ रही थी और अपना रही थी, तो दूसरी तरफ उनके विरोधियों का क्रोध भी बढ़ता जा रहा था। वे उन्हें कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। स्वामी जी जब चातुर्मास के लिए पाली पहुंचे और एक दुकानदार की आज्ञा लेकर वहां ठहरे, तो उनके विरोधियों ने दुकान मालिक की पत्नी को भड़का दिया। मैं तुम्हें यहाँ ठहरने की आज्ञा नहीं देती। तुम्हारे ही जैसे पट्टी वाले साधुओं ने मुझे बताया है कि चतुर्मास प्रारंभ हो गया तो तुम ये स्थान किसी प्रकार नहीं छोड़ोगे, इसलिए हमारी जगह इसी समय खाली कर दो। स्वामी जी ने जैसे तैसे करके अपने संघ के लिए दूसरी दुकान की व्यवस्था की। विरोधियों ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने दुकान मालिक को दुगना किराया देने की लालच दी, मगर वो अपने वचन पर अड़िग रहा। जब स्वामी जी के विरोधी हर तरह से असफल हो गए तो व्याकुल होकर पाली के हाकिम जैत सिंह जी के पास गए और कहने लगे, हम सब साहूकारों ने निर्णय किया है कि भीखण जी पाली को त्याग दें। परंतु मैं पाली को त्यागने का कारण जानना चाहता हूँ। महाराज, अब पाली में या तो भीखण जी रहेंगे या हम। नगर में रहने का अधिकार सभी को हो, यहाँ तो वेश्या और कसाई जैसे पापी लोग भी रहते हैं। जब मैं उन्हें नहीं निकाल सकता तो भीखण जैसे संत पुरुष को कैसे निकाल सकता हूँ। ये उत्तर सुनकर सारे साहूकार अपना सा मुंह लेकर लौट आए। ये काल स्वामी जी की कठिन परीक्षा का काल था। पाली में विरोधी असफल रहे, मगर उदयपुर और नाथद्वारा के शासकों को बहकाने में वे सफल रहे। अतः उन्हें राज्य छोड़ने का आदेश दिया गया। स्वामी जी के विरोधियों ने उनके खिलाफ जो गलत प्रचार किया था, उसके कारण हमेशा ही स्थान, वस्त्र और आहार की समस्या से जूझना पड़ता था। गोचरी के समय भ्रमित लोग उन्हें जली कही सुनाते, झिड़कियां देते और मुंह फेर लेते थे। इस संबंध में नाथ द्वारा की यह घटना बड़ी ही विचारणीय है। साध्वी अजबूजी को गोचरी में एक महिला ने घी दिया, पड़ोस की दूसरी महिला ने घी उसी पात्र में घाट दिया और पूछा, आप कौन से टोले की हैं? हम तो भीखण जी के टोले की हैं। क्या, भीखण जी के टोले की हो? तो पहले क्यों नहीं बताया? तुम पहले भी मुझसे खाना ले गई हो, लाओ मेरी घाट मुझे वापस कर दो। इतना कहकर किनकी ने साध्वी से पात्र छीन लिया और घाट के साथ घी भी अपने पात्र में वापस उड़ेल दिया। तब पड़ोसन ने उसे टोका, कीकी ये क्या कह रही हो, सन्यासी को दिया हुआ वापस नहीं लेते? ये भोजन में कुत्तों को डाल दूंगी, परंतु उनको नहीं दूंगी। जब साध्वी अजबूजी ने गोचरी वाली घटना का वर्णन स्वामी जी से किया तो वे कहने लगे, इस कलिका काल में ये तो संभव है कि कोई जानबूझकर साधु को बहाना करके टाल दे या खुलकर मना कर दे, परंतु साधु को देकर वापस ले ले, ये कदाचित संसार की पहली घटना है। बादर शारी डी करी की थारो नाम, घाट सहित घी ले लियो, थाली कर दियो ठाम। स्वामी जी का पूरा जीवन
संघर्ष करते बीता। बाहरी लोगों के अतिरिक्त अपने ही संघ में होने वाले उपद्रव का उन्हें सामना करना पड़ा। उन्होंने विक्रम संवत 1832 में 13 पंथ संघ का प्रथम संविधान तैयार किया। एक एक साधु की सहमति प्राप्त करके उस पर सभी के हस्ताक्षर करवाए। अब हुआ यूं कि उस संविधान में स्वामी जी ने मुनि भारमल जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मुनि चंद्रबाण जी, जो कि महत्वाकांक्षी साधु थे, उन्होंने उस पर आपत्ति उठाई और बोले, आचार्यवर, मुनि भारमल जी का चयन ठीक नहीं है, क्योंकि वे बहुत भोले हैं, उनमें संघ को चलाने की क्षमता नहीं है। तब तुम्हारी दृष्टि में आचार्य पद के लिए योग्य कौन है? वैसे तो चंद्रभान जी स्वयं को उस पद के योग्य समझते थे, परंतु खुद अपना नाम कैसे दे सकते थे, इसलिए अपने साथी साधु त्रिलोक चंद का नाम प्रस्तावित किया। तब स्वामी जी बोले, त्रिलोक चंद जी को सूरी पद तो क्या मिलेगा, शायद सुरदास पद मिल जाए। और महापुरुषों के मुख से सहज भाव से निकले हुए शब्द भी फलित हो जाते हैं। आगे चलकर त्रिलोक चंद्र जी की आंखों की ज्योति चली गई। भारमल जी को उत्तराधिकारी बनाने पर मुनि चंद्र भान जी मन ही मन स्वामी जी से द्वेष रखने लगे, संघ के साधुओं का मनोभंग करने लगे, श्रावकों को वो बहकाने लगे। अतः स्वामी जी ने उन्हें संघ से अलग कर दिया और उसके बाद त्रिलोक चंद्र जी को भी संघ से अलग किया गया। कई महीनों तक मुनि चंद्रभान जी और त्रिलोक चंद्र जी मारवाड़ के क्षेत्रों में विहार करने लगे और स्वामी जी के श्रावकों को भ्रांत करने का प्रयास करने लगे। अब स्थिति ये हो गई थी कि दोनों मुनि जहां जाते स्वामी जी वहां पहुंच जाते और उनके द्वारा फैलाई भ्रांतियों का निराकरण कर देते। ये संघर्ष काफी समय तक चलता रहा। इस कार्य के लिए स्वामी जी को 700 कोस अर्थात 2240 किलोमीटर चलना पड़ा था। वृद्धावस्था में स्वामी जी स्वयं गोचरी के लिए जाते थे तथा सुबह और शाम दोनों समय खड़े खड़े प्रतिक्रमण करते थे। एक बार किसी ने उनसे कहा, स्वामी जी, इस उम्र में आप खड़े खड़े प्रतिक्रमण क्यों करते हैं, बैठकर करने में सुविधा रहेगी। सुनो, यदि मैं बैठकर प्रतिक्रमण करूंगा तो संभव है कि मेरे पीछे वाले सोकर करने लगेंगे, क्योंकि नेता अपनी चर्चा में थोड़ी सी भी ढील करता है तो उसके अनुयायी उससे भी बड़े प्रमाण में ढील करने लगते हैं। विक्रम संवत 1860 का सिरियारी चातुर्मास स्वामी जी का अंतिम चातुर्मास था। श्रावण मास के अंतिम दिनों में उन्हें साधारण दस्त की शिकायत रहने लगी। दवा लेने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ, मगर स्वामी जी ने उसकी कोई परवाह नहीं की। ऐसा नहीं कि स्वामी जी केवल जीवन के प्रति जागृत थे, मृत्यु के प्रति उनकी जागरूकता उतनी ही थी। मृत्यु की आशंका का आभास पाते ही उन्होंने अपने कुछ शिष्यों और श्रावकों को अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, भारमल शुद्ध आचारवान साधु है, इसलिए मैंने उन्हें युवाचार्य पद दिया है। जो मान और विश्वास मुझे दिया है उन्हें भी देना, उनकी मर्यादा या आज्ञा का भंग मत करना। जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके संघ से अलग हो जाए उसे साधु मत समझना। शुद्ध आचारवान साधुओं की संगति करना, कोई दीक्षा लेना चाहे तो उसकी विराग भावना की परीक्षा करके दीक्षा देना। सारे साधु और साधुयां आपस में प्रेम भाव रखना, दलबंदी कभी न करना, गुरु की अनुमति के बिना किसी बोल की स्थापना मत करना, एक गुरु की आज्ञा में रहना और इस मर्यादा को परंपरा के रूप में सदैव निभाना। जब स्वामी जी ने अंतिम शिक्षा दी तब इस विषय में एक दिन मुनिखेसी जी ने कहा, गुरुवर, आपके विरह की संभावना से ही हम तो सिहर उठते हैं। आपकी तो यहां भी मौज है
और आगे भी होगी। आप अवश्य उच्च देवलोक में जाएंगे। मुझे न तो मौज की आकांक्षा है न ही देवलोक की। वहां भी समाप्त हो जाने वाले क्षणिक सुख होते हैं। मेरा मन तो मुक्ति के सुखों में लीन है। अब स्वामी जी अपने महाप्रस्थान की तैयारी में लग गए। उन्होंने शुद्ध अंतःकरण से खमत खामणा किया। अब स्वामी जी की अस्वस्थता धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। भोजन की मात्रा भी घट गई थी। उसके बाद परिस्थिति यूं हुई कि वो जो भी दवा या भोजन लेते वो वमन द्वारा बाहर आ जाती थी। अतः वे भोजन का त्याग करने लगे। तब खेसी जी ने कहा, गुरुवर, आपको इस तरह आहार का त्याग नहीं करना चाहिए। अब इस शरीर का क्या मूल्य है? अब तो इसे क्षीण करते हुए वैराग्य बढ़ाना है। द्वादशी के दिन की बात है। स्वामी जी विश्राम कर रहे थे। अतिप्रिय शिष्य बाल मुनि रायचंद जी उनके पास आए और कहा, स्वामी जी कृपा कर दर्शन दीजिए। स्वामी जी ने बाल मुनि के सर पर हाथ रखकर वंदना स्वीकार की। तभी बाल मुनि के मुख से छोटे मुंह बड़ी बात अनायास निकल गई। गुरुदेव, लगता है आपका पुद्गल क्षीण होता जा रहा है। ये सुनते ही स्वामी जी सोए शेर की तरह उठ बैठे और आजीवन संथारा स्वीकार कर लिया। विक्रम संवत 1860 भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी मंगलवार का दिन स्वामी जी लेटे हुए थे। उन्होंने बैठने की इच्छा व्यक्त की। संतों ने उन्हें सहारा देकर बिठाया। स्वामी जी ध्यानासन में बैठे और उसी मुद्रा में बैठे बैठे अचानक स्वामी जी के आत्म प्रदेश खींचे और वे शांतिपूर्वक देह मुक्त हुए। कहते हैं दर्जियों ने स्वामी जी के लिए वैकुंठी तैयार करके जैसे ही सुई अपनी पगड़ी में डाली, स्वामी जी 7 प्रहर का संथारा प्राप्त करके दिवंगत हुए। मानो वे वैकुंठी तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इच्छा मृत्यु वरी ज्योतिर्धर पद्मासन में समता निर्झर। इच्छा मृत्यु वरी ज्योतिर्धर पद्मासन में समता निर्झर। स्वामी भव सागर रो जानक लियो किनारो लागे। माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे।